और ये रहा दोस्तों, हस्बैंड ने मछली को साफ कर चुका है और फिर काटेगा। और इसको मैं बर्फ में डाल के लाया था दोस्तों, गर्मा गर्म एकदम बन के रेडी हो गया है। हम लोग सुबह से खाना नहीं खाए हैं। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों। और देखिए इधर सुनीता जी अभी क्या कर रही है। और आज हम लोग बनाएंगे मछली, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं मछली लाया हूँ, रेहू मछली। तो चलिए उसी को पहले धो लेते हैं और उसको बनाएंगे आज। और आज तो कोई सब्जी भी नहीं बना है हमारे घर में, तो चलिए हम लोग पहले मछली को धो लेते हैं अपने दूसरे घर में, जहाँ हम लोगों का नल है वहाँ पे। और ये देखिए मछली कितना बड़ा है, दिखा मछली दिखा। ये देखिए दोस्तों, एक ही पीस है लेकिन बड़ा है, काफ़ी बड़ा मछली है। तो चलिए पहले इसको धो लेते हैं अच्छे से। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे घर में। और दोस्तों अभी हम लोग अभी अपने दूसरे घर में आ गए हैं। और अरे पैर बहुत जलन हो रहा है धूप से, और मैं चप्पल भी नहीं लाया हूँ इस वजह से, काफ़ी ज़्यादा धूप है। और ये देखिए पानी छोड़ा हुआ है नल में। अरे बिल्ली है कहाँ घुसा था? पर कुछ खा रहा था उधर, मछली मछली है क्या? साथ से उधर चूहा ढूंढ रहा था। और ये देखिए अभी आते ही सुनीता जी अभी मछली को धोने लग गई है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज चुका है और अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए हैं और काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया है हमको, कोई नहीं खाया है। तो सब्जी ही नहीं बना है तो क्या खाएंगे तो इसको पहले धो के यही बनेगा पहले सब्जी मीट। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग मछली खाएँगे। हम लोग जल्दी जल्दी मछली नहीं खाते हैं। और दोस्तों इधर देखिए, हम लोग सब्जी भी लगाए थे अपने आंगन में, और इधर पुदीना है और काफ़ी सारा सब्जी लगाए थे, भिंडी वगैरह। और धूप के कारण सारा कुछ जल गया है, तो कुछ हुआ नहीं, बस पुदीना का चटनी हम लोग खा के जी रहे हैं अभी धूप में, काफ़ी अच्छा होता है धूप में। तो चलिए फटाफट से मछली को मैं पहले काट लेता हूँ। हटो, देखो पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म है नीचे का। और दोस्तों देखिए, अभी हस्बैंड मछली साफ कर रहा है। और दोस्तों देखिए, मछली बहुत बड़ा है, आज हम लोग मछली खाएंगे। और ये रहा दोस्तों, हस्बैंड ने मछली को साफ कर चुका है और फिर काटेगा। और इसको मैं बर्फ में डाल के लाया था दोस्तों, ताकि खराब ना हो। और अभी भी बहुत ये है, ताजा है। और उधर देखिए गेट में मम्मी खड़ा है। ये देखिए दोस्तों, अभी मछली का बड़का बड़का पीस बना रहे हैं। और किसको 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 मछली का मीट अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम लोग उसको देने भी वाले हैं। क्योंकि हम लोग इधर नदी में बहुत सारा मछली पकड़ते हैं लेकिन खाते नहीं हैं हम लोग। तो दोस्तों फाइनली हमारा मछली धोना हो गया कंप्लीट। और देखिए अभी सुनीता इसको पकड़ के अभी ले जा रही है मछली को, इसको हम धोए हैं और क्रेडिट सारा इसको जा रहा है तो चलिए अभी चलते हैं अपने दूसरे वाले घर में, जहाँ पर इसको हम लोग बनाएंगे। और चलिए तो दिखाते हैं आप लोगों को कि देसी मछली कैसा होता है। और दोस्तों अभी हम लोग अपने दूसरे वाले घर में आ गए हैं। और देखिए तो सुनता जी अभी क्या कर रही है मछली के साथ में, ये क्या हो रहा है? और दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा दे रहे हैं। बस बस हो गया। और इधर देखिए हमारा गाड़ी अभी तक धूप में खड़ा है और काफ़ी ज़ोर से धूप दे रहा है। इसको हम अंदर कर देते हैं पहले गाड़ी को, नहीं तो गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और दोस्तों देखिए इधर हमारा आग जल चुका है। और सुनीता जी अभी ये क्या कर रही है? मछली में थोड़ा थोड़ा सा नमक लगा, नमक किस लिए डाल रही है? ताकि जल्दी फ्राई हो, फ्राई करने के लिए। अभी देखिए अभी नमक डाल रही है इसमें जल्दी फ्राई करने के लिए। और शायद से हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, तेल थोड़ा डालो। और अभी तो लाइन है ही नहीं, अभी था। और दोस्तों आग देखिए कितना तेजी से जल रहा है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ, आग के साथ गर्मी भी सहो, मगर मछली खाना है तो करना पड़ेगा।
और दोस्तों मेरा तेल गर्म हो चुका है, अभी मछली को डाल रहे हैं उसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, अभी सुनीता जी ने सारा मछली को अभी डाल दिया है और इसको अभी हम लोग फ्राई करेंगे। और बिजली होता तो और अच्छा से दिखता, यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों इधर हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है मछली में डालने के लिए, और ये मिर्चा है कच्चा वाला, उसमें इसमें क्या है, आधा नहीं है का, नहीं लगाते मछली में लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा मछली भी फ्राई हो रहा है और सुनीता जी अभी मसाला को अभी पीस रही है। ये देखिए दोस्तों, अभी सुनीता जी ने अभी मछली को उतार लिया है और इसको पलटने के लिए उतारी है। नहीं तो अच्छा से फ्राई नहीं हुआ है। क्यों? एक साइड फ्राई हुआ है, एक साइड नहीं। तो वहाँ से भी तो पलट सकता था, पलट नहीं पाए वहाँ पे, तो नीचे उतार के भी पलट दिए हैं। तो दोस्तों हमारा जो मछली है वो अभी फ्राई के रेडी हो गया है, और इधर देखिए हमारा मसाला भी अभी तैयार है, और अभी सुनता जी इसको अभी डालेगी मछली में, और मैं आप लोगों को मछली दिखाता हूँ एक बार कैसे फ्राई हुआ है हमारा मछली। ये देखिए, और ये देखिए अभी सुनीता जी ने मसाला को भी डाल दिया है इसमें। और ये देखिए अभी फिर से हल्दी इसमें लग रहा है। और ये गया हमारा नमक, दोस्तों हमने सारा कुछ डाल दिया है मछली में, बस उबालना रह गया है, और उबाल के इसको आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा बना है। तो चलिए पहले बनने देते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हमारा जो मछली है वो बन के रेडी हो गया है, और देखिए अभी सुनीता जी इसको उतार भी लिए हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म मछली, और देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों मछली बनके गर्मा गर्म एकदम बनके रेडी हो गया है, और अभी हम लोग इसको खाएंगे गर्मा गर्म, क्योंकि हम लोग सुबह से खाना नहीं खाए हैं, एक बार भी नहीं, और अभी इंतजार था, और अभी एक बजने वाला है, एक बजने वाला, अब तक हम दो बार खाना खा लेते हैं और आज एक बार भी नहीं खाए। चलिए पहले खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। और दोस्तों अभी हम हाथ पैर धो धा के अभी रेडी हो गए हैं खाना खाने के लिए, और देखिए इधर सुनीता जी अभी खाना परोस रही है, और अभी हम लोग खाएंगे खाना। और ये देखिए दोस्तों अभी हमारा जो खाना है वो अभी आ गया है, तो चलिए पहले इसको खा लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने अभी खाना खा लिया है, और इधर देखिए मम्मी भी अभी अंदर में खाना खा रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में।